शाहजहां से किसी ने पूछा कि शाहजहां के इंजीनियर्स ने उनसे पूछा कि आप ताजमहल में क्या खासियत चाहते हैं। शाहजहां ने कहा कि ताजमहल जब कोई देख कर लौटे तो ताजमहल उसके दिल में जाना चाहिए। तो इंजीनियर ने कहा हो जाएगा। मुस्लिम इंजीनियर थे आप, मैं आपकी इंजीनियरिंग के बारे में बता रहा हूं और मैं साथ में पावर पॉइंट लाया हूं ये दिखाने के लिए, अगर इजाजत होगी इसके बाद तो मैं दिखा दूंगा। का ताजमहल देखने वाला दिल में ताजमहल ले जाए। पता है आर्किटेक्ट्स ने क्या किया, एक ऐसी खिड़की बनाई, एक ऐसी खिड़की, मान लीजिए यहां मैं खिड़की बना दूं और मैं पीछे चला जाऊं तो उस खिड़की में से मुझे क्या पूरी क्लास दिखाई देगी? नहीं, बस क्लास का एक हिस्सा दिखाई देगा। और जब मैं खिड़की के करीब आऊंगा तो क्या मुझे पूरी क्लास दिखाई देगी? मतलब मैं खिड़की से जितना दूर जाऊंगा क्लास छोटी होती चली जाएगी, खिड़की के जितना करीब होऊंगा क्लास बड़ी होती चली जाएगी। आपको पता है मुसलमान इंजीनियरों ने एक ऐसी खिड़की बनाई है ताजमहल पर जिस पर अभी मैं आपको दिखाऊंगा हैम्बर्ग, मॉस्को, दुबई, ये तीनों के इंजीनियर रिसर्च कर रहे हैं दोबारा इस खिड़की को बनाने के लिए। ताजमहल की खिड़की ऐसी है जिसके करीब होने पर, मतलब ताजमहल के नजदीक जाने पर ताजमहल छोटा हो जाता है, और ताजमहल से हम जितना दूर जाते हैं ताजमहल बड़ा और बड़ा और बड़ा हो जाता है। दुनिया में आज तक जिस भी बिल्डिंग के हम करीब होते हैं वो बिल्डिंग क्या होती है? बड़ी हो जाती है। पर ताजमहल की खिड़कियां ऐसे हैं उसके गेट की, जब हम उस गेट के करीब होते हैं तो ताजमहल छोटा हो जाता है, जब हम दूर जाते हैं तो ताजमहल बड़ा हो जाता है। शाहजहां के इंजीनियर्स ने उसे बताया, आज की आखिरी बात, शाहजहां के इंजीनियर्स ने उसे बताया कि इंसान की आंखों की बनावट ऐसे है कि उसे कोई भी सीधी चीज टेढ़ी दिखती है अगर वो किसी बड़ी चीज के पास रखी हो। शाहजहां ने कहा नहीं, मुझे अपनी गुंबद टेढ़ी नहीं चाहिए, उसे सीधा रखो। कहा नहीं सर, हमारा फॉल्ट नहीं है, इंसान की आंखों की बनावट गोल है, तो किसी बड़ी चीज के सामने जब मीनार रखते हैं तो वो टेढ़ा दिखाई देते हैं, सीधा रखने पे वो टेढ़ा दिखते हैं, दिस इज एन इल्यूजन। शाहजहां ने कहा नहीं, इसे ठीक करो। पता है इंजीनियर्स ने क्या किया? मीनारों को हल्का सा टेढ़ा बनाया, अब देखने वालों को वो सीधे दिखाई देती हैं। इस टेढ़ा बनाने का एक सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ पता है? जब भूकंप आता है तो चारों मीनारें गुंबद से अलग दूसरी दूसरी दिशा में गिरती हैं। अगर वो सीधा बनाते तो क्या पता एक हाथ ताजमहल पे गिर जाती, पर चार टेढ़ी मीनारें जब हम देखते हैं वो टेढ़ी हैं, पर जब हम देखते हैं तो वो सीधा दिखाई देती है। और इसका फायदा है जब भूकंप आता है तो वो मीनारे ताजमहल से दूर गुंबद को बिना नुकसान गिराए दिखती हैं। मैं आपको वो चीज दिखाकर आपसे विदा लेना चाहता हूं, और इस वादे के साथ कि आज से आप जो भी पढ़ेंगे वो रिसर्च एंड एजुकेशन के साथ पढ़ेंगे। क्या आप मुझसे ये वादा करते हैं? तो मैं नेशनल ज्योग्राफिक के डॉक्यूमेंट्री में से एक सीन निकाल के लाया हूँ सिर्फ हिडन सीक्रेट्स ऑफ ताजमहल दिखाने के लिए, ताकि आप में पढ़ने का जज्बा जाग जाए। मैं आपको दिखाता हूँ, आप देखिए। अब मैं आपको, नाउ कैन यू प्लीज कॉन्सेंट्रेट हियर, आई वुड जस्ट लाइक टू शो यू सम वेरी ब्यूटिफुल थिंग। ये ताजमहल हम सब ने देखा हुआ है, मैं आपको एक बहुत प्यारी चीज दिखाता हूँ कि हम किसी जमाने में कितने बड़े इंजीनियर हुआ करते थे, और आज तक उस इंजीनियरिंग का तोड़ दुनिया के पास नहीं मिला है। मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, देखिए ये ताजमहल है और इसके सामने का गेट है, उस गेट में ऐसे दरवाजे और ऐसी खिड़कियां, ये मिडिएवल एजेस में बनाई गई थी कि जब हम बिल्डिंग के करीब जाते हैं तो बिल्डिंग को बड़ा होना चाहिए वो छोटी हो जाती है, और जब हम बिल्डिंग से दूर जाते हैं तो बिल्डिंग बड़ी और बड़ी और बड़ी होने लगती है, जबकि दुनिया का नियम क्या है? किसी बिल्डिंग के करीब जाने पर वो बड़ी हो जाती है। लेकिन आप देखिए यहां पर, यहां क्या होता है, यहां ये दरवाजा है, इस दरवाजे के अंदर से अब वो कैमरा नजदीक ले जाएंगे, जितना कैमरा करीब जाएगा उतना ताजमहल छोटा होता चला जाएगा। देखिए ये छोटा 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 और पूरा का पूरा खिड़की में आ गया, जबकि होना ये चाहिए कि ताजमहल और बड़ा हो जाए।
अब इससे हम जितना दूर जाएंगे ये ताजमहल उतना बड़ा होता चला जाएगा। क्या आप देखते हैं, देख सकते हैं ये क्या इंजीनियरिंग है? जितना हम उससे दूर जा रहे हैं उतना ताजमहल बड़ा होता जा रहा है, और जितना हम उसके करीब जाएंगे वो छोटा होता जा रहा है। अब मैं आपको जो सवेरे से रिक्वेस्ट कर रहा हूं ना कि आपको रिसर्च एंड डेवलपमेंट वाली पढ़ाई करनी है, लेट मी स्पीक फॉर फाइव मिनट्स, यू कॉन्सेंट्रेट। जो मैं आपको सवेरे से कह रहा हूं ना कि आपको पढ़ना चाहिए, खूब अच्छी रिसर्च करनी चाहिए, अब मैं उसका दूसरा नमूना दिखाता हूं। जब भी किसी बड़ी चीज के सामने मिनारेट रखे जाते हैं तो हमारे आंखों की बनावट गोल है, वो टेढ़ा दिखाई देते हैं। तो ताजमहल के इंजीनियरों ने मीनारे बनाई ही टेढ़ी थी ताकि वो हमें सीधा दिखाई दे, आप इसका एक एडवांटेज देखना, और सोर्स बहुत ऑथेंटिकेट है, ये नेशनल ज्योग्राफिक चैनल की डॉक्यूमेंट्री है। मतलब ये ऐसा नहीं है कुछ कि हमने बनाया हुआ, ये नेशनल ज्योग्राफिक की रिसर्च है ऑन मुगल इस्लामिक इंजीनियर्स। आप देखिए अब यहां क्या होता है, अगर आप किसी मीनार को सीधा बनाएंगे तो ऑप्टिकल इल्यूजन्स की वजह से वो टेढ़ी दिखेगी, देख रहे हैं आप, लेकिन उन्होंने इसे बनाया ही टेढ़ा है, इस वजह से ऑप्टिकल इल्यूजन्स की वजह से ये हमें सीधी दिखाई देती है, और जब भूकंप आता है तो ये चारों ताजमहल से अलग दिशा में गिरती है और ताजमहल को इससे कोई नुकसान नहीं पहुंचता। क्या आप देख सकते हैं हम किस पाए के इंजीनियर हुआ करते थे? मैं आपको एक और चीज दिखा